वृंदावन में बाल विकास परिषद द्वारा बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से बेजुबानों की सेवा को बढ़ाए हाथ। संस्था के पदाधिकारियों ने जल सेवा का आगाज कर पशु पक्षियों के लिए रखवाए जलपात्र। तीर्थ नगरी वृंदावन में इन दिनों तपिस भरी गर्मी के चलते आम आदमी के साथ पशु पक्षियों का हाल बेहाल है। ऐसे में बंदर गाय एवं अन्य जीवों को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वृंदावन बाल विकास परिषद के तत्वावधान में बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से जलपात्र सेवा का शुभारंभ आज रमन नीति मार्ग स्थित परशुराम पार्क पर संतों के सानिध्य में किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के संस्थापक जितेंद्र कुमार गौतम के द्वारा जलपात्र सेवा के अंतर्गत दर्जनों पानी की टंकियां रमन नीति मार्ग के अनेक स्थानों पर रखवाई गयी। वृंदावन बाल विकास परिषद के द्वारा और बलराम कृष्ण चैरिटेबल के द्वारा आज परशुराम भवन के सामने पानी की बेस जवान जो गाय लावारिस है, कुत्ते भी हैं, कुछ भी पशु पक्षी हैं, वो सब पानी पी सकें। इनकी भाषा हमको समझनी पड़ेगी। इंसान तो बोल के पानी मांग लेगा, पर ये बेस जवान है, ये नहीं बोल पाएंगे, इनको तो प्यास लगती है। इनके लिए हमने ये सहयोग किया। मैं सभी संस्थाओं से आप कहना चाहूँगा कि सभी अपनी अपनी जगह पर ये लगाएं पानी का पर्स, जो बेजवान गाय है वो पानी पी सके। और ये भी कहूंगा, एक निवेदन है कि अपने छत पर भी लगाएं पानी का पर्स, जो बंदर है, कबूतर है, चिड़िया है, वो पानी पी सके। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इसका ध्यान रखें सभी लोग।